बहुत ही रोचक व नया अनुभव देने वाला अभ्यास त्राटक। साधारण अर्थों में यह एक ऐसी साधना है जिसमें साधक अपने मन को बांधकर अपने अंतर्मन को जागृत करता है, अर्थात साधक अपने मन को स्थिर कर लेता है। इसके लिए साधक किसी एक ही वस्तु पर अपनी दृष्टि को एकत्रित कर लेता है और वह लगातार दीर्घ काल तक उसे देखता रहता है। इसी क्रिया को त्राटक कहते हैं। हर बार एक नया अनुभव देने वाला अभ्यास त्राटक किसी भी एक वस्तु विशेष को लगातार देखते रहना, टकटकी लगाकर पूरी ध्यान ऊर्जा को किसी भी एक बिंदु पर या केंद्र पर केंद्रित कर देना, त्राटक का अभ्यास विशेष रूप से 3 विधियों से किया जाता है, जिसमें पहली विधि मोमबत्ती या दिया प्रज्वलित करके उसकी लो के ऊपर निगाहों को केंद्रित करना होता है। दूसरा, किसी एक सफ़ेद दीवार के ऊपर या सफ़ेद कागज के ऊपर काले रंग का एक बिंदु लगाकर उसके ऊपर निगाहों को केंद्रित करना होता है। और तीसरा, किसी भी एक स्थान पर या किसी भी एक वस्तु, जैसे कोई शिवलिंग हो गया, किसी देवी देवता की मूर्ति हो गई, घड़ी हो गई, हमारी छत हो गई या पंखा हो गया, एक वस्तु विशेष पर जो भी आपको पसंद हो उसके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना। तो ये त्राटक आपको पता चल गया कि 3 तरह से किया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें विधि की जाती है वो हमारी प्रथम विधि है, पहली विधि, जो मोमबत्ती या दिए को प्रज्वलित करके उसकी लो के ऊपर निगाहों को केंद्रित करना होता है। तो 3 प्रकार से इसका अभ्यास किया जाता है। अब चर्चा करते हैं अभ्यास कैसे करें। इसके लिए शारीरिक अवस्था और जिसका त्राटक किया जा रहा है उसकी अवस्था क्या होनी चाहिए, यानी कि जो हमारा शरीर है उसकी अवस्था कैसी होनी चाहिए और जो हमारे सामने त्राटक है, यानी कि मोमबत्ती है या दिया है या सामने सफ़ेद दीवार पर जो बिंदु है वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो इसके अभ्यास के लिए किसी एक आरामदायक आसन में बैठ जाए, जैसे सुखासन है, वज्रासन है, पद्मासन है, कोई भी एक बैठने वाला आरामदायक आसन जो है आपको इसमें लगा लेना है। किसी कारण से ज़मीन पर न बैठ पाए तो कुर्सी पर बैठा जा सकता है, परंतु कुर्सी का जो चैन है ये आपका अंतिम विकल्प होना चाहिए। पीठ व गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें, ऊपर बैठें या नीचे कहीं पर भी बैठें, ऐसी स्थिति या आसन का चयन करें जिसमें शरीर कुछ समय यानी कि 10 से 15 मिनट तक हिलने की बिल्कुल भी चेष्टा न करें। शरीर मूर्ति की भांति हो जाए, बिल्कुल सीधे हाथ घुटनों के ऊपर सीधे ऊपर को खुले रखेंगे या किसी विशेष मुद्रा में रख सकते हैं, जैसे ध्यान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है या अंजलि मुद्रा में भी रखा जा सकता है। जिस वस्तु का त्राटक किया जा रहा है उससे आपकी शरीर की दूरी लगभग 1 से 1.5 फीट की होनी चाहिए। आपकी आंखों से 1 से 1.5 फीट की दूरी पर आपका त्राटक केंद्र होना चाहिए और उसकी ऊंचाई, अगर आप ज़मीन पर बैठे हों तो उसके अनुसार और अगर आप कुर्सी पर बैठे हों तो उसके अनुसार होनी चाहिए, यानी कि वो आपकी गर्दन सीधी रहे, आपकी आंखों के सामने हो, न ज़्यादा ऊपर हो न ज़्यादा नीचे हो, जिससे कि आपकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी झुके, बिल्कुल सीधे आंखों के सामने होना चाहिए। जो आपका केंद्र है वो आपकी निगाहों के बिल्कुल सामने हो, जिससे आपकी गर्दन और पीठ बिल्कुल सीधी रह सके। आपकी आंखों से जो दिया है वो न ज़्यादा ऊपर हो न ज़्यादा नीचे हो, बीच में हो, जिससे शरीर को क्षति और कोई कष्ट न हो। आपकी अवस्था और आपके त्राटक की अवस्था एक होनी चाहिए। अब अभ्यास करते समय कुछ विशेष बातें या कुछ प्रश्न।
आपका अभ्यास किसी भी समय किया जा सकता है, परंतु सुबह के समय करें तो ज़्यादा लाभकारी होता है। जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या है, नींद आने की समस्या है, बहुत अधिक विचार आते हैं, बार बार एक ही विचार दिमाग में घूमता रहता है, सोने से पहले करवटें बदलते रहते हैं या नींद नहीं आती, उनको इसका अभ्यास रात को सोने से पहले करना चाहिए। और यदि क्रम के अनुसार इसका अभ्यास करना चाहें तो क्रम के अनुसार किस तरह से, जैसे आप योगा अभ्यास करते हैं, सुबह प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो योग अभ्यास जैसे कर रहे हैं तो उसके बीच में अभ्यास करना चाहें तो आसन और प्राणायाम के बाद आप त्राटक कर सकते हैं और उसके बाद आप मंत्र उच्चारण या ध्यान के अभ्यास से कर सकते हैं। यानी कि ये जो है आपको योगाभ्यास जो है आसन प्राणायाम इसके बाद करना है, इसके बीच में यानी कि बाद में करना है, और मंत्र उच्चारण जो ध्यान है या ओम का उच्चारण है उससे पहले, त्राटक आसन और प्राणायाम के बाद, मंत्र उच्चारण ओम का उच्चारण और ध्यान के अभ्यास से पहले किया जाता है। यदि इस प्रकार क्रम के अनुसार देखें, अन्यथा केवल त्राटक का अभ्यास करना चाहें, जो सिर्फ त्राटक का अभ्यास करना चाहते हैं तो सुबह के समय सामान्य व्यक्ति कर सकता है। अनिद्रा की समस्या, बहुत विचार आने की समस्या में आप इसे रात में सोने से पहले इसका अभ्यास करके सोएं। जो लोग मोमबत्ती दिए से इसका अभ्यास करें, जिस प्रकार हमने आपको तीन विधियां बताई हैं, पहली विधि से अभ्यास करें, मोमबत्ती दिया जलाकर उस समय एक दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक तो कमरे के अंदर पूरी तरह से अंधेरा हो, कोई भी रोशनी आनी नहीं चाहिए, जिस प्रकार पूरा अंधेरा, नोक के बराबर भी प्रकाश कहीं से न आता हो, बिल्कुल भी प्रकाश नहीं आया, सुई के नोक के बराबर भी बिल्कुल जैसे अंधकार में आ गए हो आप, अंधेरा कमरा, उस समय दीपक या मोमबत्ती को प्रज्वलित करें। दूसरी बात, मोमबत्ती और दिए से जब अभ्यास करें तो वहाँ पर वायु बिल्कुल भी ना चलती हो। क्यों? क्योंकि यदि वायु चलती होगी तो हवा का आना जाना होगा, तो आपकी जो दिए या मोमबत्ती की लो का केंद्र है वो भटकेगा या हिलेगा, तो आपके जो कमरे में है, आपके कमरे के अंदर जिस कक्ष में अभ्यास कर रहे हैं, अंधेरा हो और हवा बिल्कुल भी ना आती हो। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो मैं जोड़ना चाहता हूँ वह यह है कि मोमबत्ती और दिए से अभ्यास करें तो प्रयास करें मोमबत्ती का इस्तेमाल न करें। कई ग्रंथों में भी ऐसा लिखा हुआ है जहाँ पर दिए का ज़्यादा महत्व बताया गया है, मोमबत्ती का कम बताया गया है। मोमबत्ती का इस्तेमाल ना करें, मोमबत्ती की जगह दिए का इस्तेमाल करें। कई ग्रंथों में भी ऐसा निर्देशित है कि मोमबत्ती का जब अभ्यास करेंगे तो मोमबत्ती को रखेंगे और जैसे जैसे मोमबत्ती जलती जाएगी वो पिघलती जाएगी और मोमबत्ती छोटी होती जाएगी। यदि आपने इस स्थिति में उसको रखा था तो जो आपकी निगाहों का जो है तो 10-15 मिनट के बाद आपका केंद्र नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि पहले वो ऊपर था, मोम धीरे धीरे 10-15 मिनट बाद पिघलता गया और वो केंद्र जो है वो आपका धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएगा और आपकी गर्दन जो है वो आगे की तरफ झुक जाएगी। मोमबत्ती छोटी होती जाएगी तो इस कारण से मोमबत्ती का उपयोग न करें। दूसरा, जब मोम जलेगी तो उससे कुछ लाभ तो आपको मिलने वाला है नहीं, हानि होने की संभावना हो सकती है, परंतु जब आप तेल का दिया आप जलाएंगे दीपक से त्राटक करेंगे तो उसके अंदर आप तेल डालेंगे और वो जो तेल है वो तिल का तेल डालेंगे या नारियल का तेल डालेंगे, बादाम का तेल डालेंगे, सरसों का तेल डालेंगे या घी जो देसी घी होता है उसका भी आप डालकर जला सकते हैं, तो उसमें जो है बाती जलेगी और वायु के द्वारा वह आपके नासिका के द्वारा आपके शरीर के अंदर भी जाएगा,
जो उसका धुआं है, जो दीपक का धुआं है, वो आपके अंदर जाएगा। और जब सरसों का तेल, बादाम का तेल, नीम का तेल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, इस प्रकार के तेल जलेंगे तो वह वातावरण के लिए भी लाभकारी होंगे और आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हैं। तो प्रयास करें कि मोमबत्ती की जगह दिए का इस्तेमाल करें। यह बात ध्यान रखें कि दूसरी या तीसरी विधि से अभ्यास कर रहे हैं सफ़ेद बिंदु, तो जो है सफ़ेद बिंदु किसी सफ़ेद दीवार या कागज़ के ऊपर काला बिंदु लगाकर या किसी अपने मनपसंद की वस्तु विशेष का त्राटक करें। उस समय जो उस दीवार पर जहां आप त्राटक कर रहे हैं बिंदु लगाकर, पूरा प्रकाश आना चाहिए। मंद रोशनी में या कम रोशनी में दूसरी और तीसरी विधि से त्राटक न करें। दूसरी और तीसरी विधि कौन सी थी? दूसरी विधि में था कि आपकी कोई सफ़ेद दीवार है और उस पर आपने एक काला बिंदु लगा लिया है, या फिर सफ़ेद कागज़ पर आपने एक काला बिंदु लगा लिया है। और तीसरा था कि जिस त्राटक था जो तीसरा, वो ये था कि जिसमें आपने कोई अपनी मनपसंद वस्तु पर एक निगाह लगाई, ध्यान किया, त्राटक किया। तो जो कम प्रकाश है उसमें आप या कम रोशनी में त्राटक ना करें, इससे हानि पहुंचने की संभावना बढ़ सकती है। नेत्रों को उस समय पूरा प्रकाश होना चाहिए। अगली बात, अपने त्राटक को बार बार ना बदलें। जो आपका केंद्र है उसको बार बार न बदलें। आज आप घड़ी का त्राटक कर रहे हैं, कल मेज का त्राटक करते हैं, परसों पंखे का त्राटक करते हैं, फिर एक दिन आप शिवलिंग का करते हैं, एक दिन आप देवी का करते हैं। तो इस तरह से बार बार अपने त्राटक का केंद्र ना बदलें। आपने किसी एक केंद्र को निश्चित करें, सोच समझ के अभ्यास प्रारंभ करें। यदि दिए से आरंभ करें तो आपको दिए को ही लंबे समय तक उसी का अभ्यास करते रहना है। सफ़ेद दीवार के ऊपर काला बिंदु लगाकर अभ्यास करें। कहने का तात्पर्य, अपने लक्ष्य को, अपने केंद्र को बार बार ना बदलें। जब केंद्र बार बार बदलेंगे तो पहले से जो अभ्यास आपने किया है उसके अलावा अब आपको दोबारा नए सिरे से पूरा अभ्यास साधना पड़ेगा। यानी कि जो आपकी पुरानी साधना है वो एक तरीके से बेकार चली जाएगी। तो सोच समझकर अपना एक लक्ष्य तय करें। अगली बार अभ्यास करते समय जब अभ्यास आपने करना है तब तक पलकें नहीं झपकानी जब तक आँखों से पानी न आने लगे या आँखों में दर्द ना होने लगे या फिर बेचैनी, घबराहट का अनुभव ना होने लगे। तब तक अपनी निगाहों या त्राटक अभ्यास को विश्राम नहीं देना है, लगातार देखते रहना है। और जैसे ही आँखों में भारीपन, आँखों में दर्द या पानी आने जैसी स्थिति उत्पन्न हो, तुरंत आँखें बंद कर दें, कुछ लंबी गहरी सांसें भरते रहें और आँखें बंद करके जिस चीज़ का त्राटक किया जा रहा था उसको बंद आँखों से उसका प्रतिबिंब मानसिक स्तर पर देखने का प्रयास करें। आप आँख बंद करके भी देख सकते हैं कि वो जो है मेरे त्रिनेत्र पर जल रही है। कुछ लंबे सांस भरने के बाद आँखें खोलें और दोबारा से अभ्यास को प्रारंभ कर दें। अब कितनी देर तक अभ्यास करना है? शुरुआती स्तर पर 3 से लेकर 5 मिनट तक, शुरुआती कुछ दिनों के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। 5 से 7 दिन तक, उसके बाद अभ्यास सहज रूप से अगर हो जाता है तो फिर इसे बढ़ाकर आपको 10 से 12 मिनट तक अभ्यास किया जा सकता है। सामान्य व्यक्ति के लिए अब यह तो समय सीमा बताई गई है 3 से 5 मिनट या 10 से 12 मिनट तक, जितनी देर भी अभ्यास की सीमा बताई गई है, यह समय जो बताया गया है यह केवल त्राटक अभ्यास को करने का समय बताया गया है। इसके बीच में जितनी देर विश्राम करेंगे, यह जितनी बार विश्राम करेंगे उस समय को उसके अंदर नहीं जोड़ा गया है। यानी कि जितनी देर आप आंखें खोलकर त्राटक को देखते हैं
वही समय जुड़ेगा जो आप आंखें बंद करके विश्राम करते हैं, वो त्राटक में नहीं जुड़ेगा। एक बार आपने अभ्यास आरंभ किया और दो दो मिनट तक आप बिना पलकों को झपकाए रह पाए और फिर उसके बाद एक मिनट आंख बंद कर दी, तो उस एक मिनट को यहाँ पर नहीं गिना गया है, केवल दो मिनट को गिना जाएगा। दो दो मिनट करके यदि आप तीन बार अभ्यास करते हैं और तीन बार बीच में रुक रहे हैं तो यह आपका कुल नौ मिनट हो गया। यहाँ पर उन नौ मिनट को ना गिनकर छः मिनट को गिना जाएगा जितनी देर आपने अभ्यास किया है। इस प्रकार से तीन से पाँच मिनट अभ्यास करें, कुछ दिन के बाद 10 से 12 मिनट तक अभ्यास को बढ़ाएं। इसके बाद अभ्यास करते समय बिल्कुल भी जोर न लगाएं, ज़बरदस्ती ना करें, जितना सहज रूप से रोक पाएं आंखें खोलकर बिना पल के झपकाए उतनी देर तक रुकें। जैसे न रोका जाए तुरंत आंख बंद कर दें और जब अभ्यास कर रहे हैं तो आंखों को जोर लगाकर न खोलें। सामान्य अवस्था में शांति रखें, पलकों को, नेत्रों को, मांसपेशियों को और पूरे चेहरों को। अभ्यास के दौरान अपनी निगाहों को अपने लक्ष्य के अलावा इधर उधर या अन्य किसी स्थान पर न देखें, केवल अपने लक्ष्य के ऊपर, अपने केंद्र के ऊपर ही निगाहों को केंद्रित रखें। नेत्रों से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर, हाल ही में ऑपरेशन करवाया हो उस स्थिति में, मस्तिष्क से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर, मिर्गी के दौरे पड़ने पर या पिट पड़ने पर, इसका अभ्यास चिकित्सक से सलाह लेने के पश्चात ही करें। ताटक क्रिया के अभ्यास से आत्म जागरण के कई द्वार खुल जाते हैं। इसके अभ्यास से क्रोध, चिंता, तनाव, बहुत अधिक विचार आना, संकल्प शक्ति का कमज़ोर होना, स्मरण शक्ति का कमज़ोर होना, ऐसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके अभ्यास से चेहरे पर एक विशेष नूर आ जाता है, एक विशेष प्रकार की आभा प्राप्त होती है। नैनों में हमारे नेत्रों में प्रचंड ज्वाला, एक तेज की प्राप्ति होती है। यह बहुत ही अद्भुत अभ्यास है। मूल रूप से इसका अभ्यास मन को, ध्यान को केंद्रित करने के लिए, चित्त की वृत्तियों का निरोध हेतु किया जाता है।